नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट विषय में आप सबके लिए वार्ता लेकर आया हूँ। आज का विषय है देवगुरु बृहस्पति 11 अक्टूबर 2018 में ट्रांजिट करके वृश्चिक राशि अपने मित्र राशि में प्रवेश करेगा, जहाँ पर ये 5 नवंबर 2019 तक रहेगा। बृहस्पति का गोचर एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के फाइनेंशियल पोजीशन, मैरिज की प्रोस्पेक्ट्स और जीवन में पीस के बारे में जाना जा सकता है। जब एक राशि से बृहस्पति दूसरी राशि में एंटर करता है तो 12 राशियों के लिए सारे इक्वेशन चेंज हो जाते हैं। जिस कुंडली में बृहस्पति पावरफुल होता है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रसिद्धि पाता है, और जिनके बृहस्पति खराब होते हैं, पाप ग्रहों से दृष्टि पाते हैं, उन्हें जीवन में बहुत दुख, डिफेम, परेशानियां, विवाह में देरी, लिटिगेशन, डाइवोर्स से जाना पड़ता है। फाइनेंशियली भी वे लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का 13 महीने के लिए तुला से वृश्चिक में एंटर करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है। इसका क्या इम्पैक्ट कन्या राशि विर्गो वालों पर पड़ेगा, मैं बता दूं मित्रों, विर्गो जोडियाक साइन के बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से उनके 7th हाउस को देखेगा और उनके 11th हाउस को नवम दृष्टि से देखेगा। कन्या राशि वालों के 7th हाउस में देखने का मतलब है कि कन्या राशि वालों का विवाह का समय आ गया है। जिनके विवाहें नहीं हो रही है, शादी का प्रपोजल आ रहा, बात नहीं बन रही, कन्फर्म्ड है ये रिलेशनशिप मैरिज में टर्न हो जाएगा। कईयों के लव अफेयर्स होंगे जो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। जिन लोगों के कोर्ट केस, डाइवोर्स, लिटिगेशन चल रही है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। जो बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा पार्टनरशिप करना चाहते हैं देश के अंदर या विदेश में, उनको बहुत प्रोग्रेस, बहुत धन संपदा मिलने का समय आ गया है। विदेशों के साथ पार्टनरशिप होगी या देश के अंदर ही बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप होगा। आपके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनेंगे। जो नौकरी में हैं, उनके अपने बॉस के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे। घर में कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, प्रमोशन होगी नौकरी वालों का। जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी शिक्षा के अंदर बहुत तेज गति पकड़ेंगे। कई तो साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर्स, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, कई ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, कई जुडिशियल टॉप पोजीशन में पहुंचेंगे, कई देश के पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। ये 13 महीना रहेगा। 7वां घर यानी कि मीन राशि, वो भी बृहस्पति का है, तो बृहस्पति अपने घर को देख रहा है। कोई अपने घर को बर्बाद नहीं करता। इससे बड़ा राजयोग आपके जीवन में और नहीं आने वाला। चेष्टा आपको करना है, एस्ट्रोलॉजी ट्रेंड्स को बताती है। अगर आप ये सोचो कि ग्रह अपने आप करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं सोचूं कि मेरे कर्मा मुझे अपने आप फल देंगे, अपने आप नहीं, अपने को जूझना भी पड़ेगा। साथ में 7th हाउस में जब बृहस्पति देख रहा है, ये बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत उन्नति, बहुत प्रोग्रेस, शादी ब्याह, घर में खुशियाँ, सारे रिलेशनशिप जो पिछले 13 महीने में खराब चल रहे थे, पारिवारिक रिलेशनशिप अपने दूर हो गए, वो सारे आपके पास आ जाएंगे। कई बुरी आदतें घर में लोगों की जो थी, दूर हो जाएंगी। एजुकेशन में प्रोग्रेस, शादी में शांति, जिन जो शादी प्रपोजल नहीं हो रहा उनका मैरिज हो जाएगा, कई प्रकार की हैप्पीनेस घर में होगी। 11th एस्पेक्ट्स जो है, ये उनको ये लाभ स्थान है, इनकी गेन, शिक्षा में गेन, फाइनेंशियल गेन, बिजनेस गेन, रिलेशनशिप में गेन, फॉरेन जर्नीज, हर जगह लाभ ही लाभ कन्या राशि वालों को रहेगा। यानी कि मैं बता दूं, बृहस्पति का पंचम दृष्टि कन्या राशि वालों के 7वें घर यानी कि शादी के घर, रिलेशनशिप हाउस, इंटीमेट रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी। कोई भी लीगल केस चल रहा, दूर हो जाएगा। विदेश यात्रा का समय आ गया है, शादी हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगा। और नवम दृष्टि से उनके 11वें भाव में, 11वें भाव मतलब गेन, लाभ का घर है, चारों ओर से लाभ,
शिक्षा में लाभ, नौकरी में लाभ, बिजनेस में लाभ, हेल्थ इंप्रूव होगा। थोड़ा एक्सीडेंट से बच के रहिएगा, कन्या राशि वालों का एक्सीडेंट होने के चांसेस 13 महीने में रह सकता है। दान पुण्य, सेवा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, किसी को अपमानित नहीं करना, ये भी कर्मा है। इसके परिणाम कई जन्मों के बाद भी आते हैं और इस जन्म में भी आते हैं। कभी भी इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को अपने वाणी से लोगों को आराम पहुंचाइएगा, क्योंकि ये भी बृहस्पति कंट्रोल करता है, जुपिटर और मरकरी कंट्रोल करता है, और जुपिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब जुपिटर ख़राब है तो लोग तो आप लोगों को खराब कमेंट्स करेंगे या लोगों को दुख पहुँचाएंगे अपने शब्दों के द्वारा, और फिर से बुरे कर्म आपको नुकसान, वापस एक कुचक्र आपके प्लैनेट्स को डिस्टर्ब करता है। मोटे तौर पर कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय, बहुत सुकून, बहुत पुण्य का टाइम है। पन्ना पहन लीजिएगा, हरे चीज का दान करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आज की वार्ता ही समाप्त करता हूँ। अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद मुझे दीजिएगा और एक नए वार्ता के साथ हम फिर से मिलेंगे। बाय।